ओम शांति। आज बाप दादा के 14 अप्रैल 1973 के अव्यक्त रूप के चले हुए मधुर महावाक्यों पर हम मनन और चिंतन करेंगे। आज की मुरली का विषय है संगठन की शक्ति एक संकल्प। सर्वश्रेष्ठ मत देने वाले, सदा अभूल बनाने वाले शिव बाबा बोले, सभी किस संकल्प में बैठे हो? सभी का एक संकल्प है ना? जैसे अभी सभी का एक संकल्प चल रहा था, वैसे ही सभी एक ही लगन अर्थात एक ही बाप से मिलन की, एक ही अशरीरी भाव बनने के शुद्ध संकल्प में स्थित हो जाओ, तो सभी के संगठन रूप का ये एक शुद्ध संकल्प क्या कर सकता है? इसमें सवाल ये है, बाबा ने जो कहा संगठन की शक्ति एक संकल्प, तो सभी का एक ही संकल्प में स्थित होने का क्या प्रयोजन है? यानी बाबा बता रहे हैं कि जब किसी कार्य को 100% सफल करना हो तो उसके जो करने वाले होते हैं उन सब का एक ही संकल्प एक ही समय उठेगा, तभी पूरी शक्ति से वो कार्य सफल होगा, क्योंकि सब ने मिलकर उसको करना है और उनकी सबकी पूरी शक्ति अर्थात पूरा उनका फोकस पूरा उनका ध्यान उस पर होना चाहिए। तो उसको बाबा ने कहा फाइनल भी जब परिवर्तन का समय आएगा तो जब सभी के सभी जो परिवर्तन के कार्य में निमित्त हैं एक ही संकल्प करेंगे कि अब परिवर्तन हो जाए तो परिवर्तन हो जाएगा। इसी प्रकार से बाबा कहते हैं कि उसका अभ्यास मैं तुमको करा रहा हूँ। तो इस वक्त क्या है, पहले बाबा ब्रह्मा बाबा के साकार तन में आते थे शिव बाबा, उस वक्त भी क्या था कि ब्रह्मा बाबा के तन में आए तो निराकार परमात्मा, जो बच्चे उस समय सामने बैठते थे परमात्मा के वो क्या देखते थे, वो देखते थे कि ब्रह्मा बाबा का तो शरीर है, ब्रह्मा बाबा की तो अपनी आत्मा है, लेकिन उनके साथ जो परमात्मा साथ में आके, परमात्मा कहते मैं बिंदु स्वरूप हूँ, बिल्कुल उनके साथ में आके बैठ के हमको श्रीमत देते हैं, जिसका के फिर गायन हो जाता है, एक रथ में दो सवार थे, एक शरीर में दो आत्माएं थी, एक उस शरीर धारी की और एक परमात्मा, उस वक़्त भी फोकस करते थे, तब समझ में आता था कि जो महावाक्य निकल रहे हैं ये ब्रह्मा बाबा के नहीं शिव बाबा के निकल रहे हैं, नहीं तो बाकी सारा दिन तो ब्रह्मा बाबा अपने वाक्य बोलते थे। अब बाबा कहते थे अव्यक्त हो गए बाबा, ये जो सीन बताया जा रहा है इस समय इस डेट को बाबा के आगे सब बच्चे बैठे हैं, अच्छा उनका क्या लक्ष्य है, उनका लक्ष्य यही है कि हम अशरीरी बन जाए अव्यक्त बन जाए, क्योंकि अव्यक्त मुलाकात अव्यक्त परमात्मा के साथ अव्यक्त रूप से ही हो सकती है, क्योंकि स्वयं शरीरधारी रहे तो परमात्मा अव्यक्त के साथ तो उसका मिलन हो नहीं सकता। तो इस वक्त भी परमपिता परमात्मा जिसको हम बाप दादा कहते हैं प्रजापिता ब्रह्मा के साथ एक दूसरे शरीर रूपी रथ में आए हुए हैं, यानी आदरणीय गुलजार दादी के शरीर रूपी रथ में आए हुए हैं, तो जो बैठे हैं वो किसको देख रहे हैं, गुलजार दादी के रथ को तो नहीं देख रहे हैं, तो निराकार परमात्मा अव्यक्त ब्रह्मा यानी सूक्ष्म
दोनों मिलकर के आए हैं, तो हमको भी अगर उनसे मुलाकात करनी है, उनके बोल सुन रहे हैं हम, तो उसी स्थिति में सुनना होगा। तो बाबा ने कहा जैसे इस वक्त आप सभी एकाग्र होकर व्यक्त रूप में बैठे हो, एक ही संकल्प है सबका, इसी प्रकार से आपका संगठित रूप का एक संकल्प फाइनली जब हर चीज़ में एक मत हो जाएगी, जिसको एक मत भी कहते हैं, एकता कहते हैं, यूनैनिमस कहते हैं, वो हो जाएगा, तभी तुम्हारा कार्य पूरी शक्ति से सफल होगा। बाबा ने जैसे कहा अशरीरी भाव, अशरीरी मीन्स कि शरीर में रहते हुए आत्मा, शरीर के द्वारा आत्म रूप में रहकर हम उस दूसरे शरीर के द्वारा भी उस परमात्मा को देख रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं। किसी के भी और दूसरे संकल्प न हो, सभी एक रस स्थिति में स्थित हो, तो बताओ वह एक सेकंड के शुद्ध संकल्प की शक्ति क्या कमाल कर देती है। तो ऐसे संगठित रूप में एक ही शुद्ध संकल्प अर्थात एक रस स्थिति बनाने का अभ्यास करना है, तब ही विश्व के अंदर शक्ति सेना का नाम बाला होगा। बाबा ने कहा यूं तो बाबा ने एक संकल्प कहा, लेकिन उस एक ही लक्ष्य के संकल्प की स्थिति को बढ़ाते जाना, उसको एक रस रखना। ऐसे नहीं कि एक दो सेकंड के लिए वो संकल्प हुआ, उसके बाद स्थिति ढीली हो गई, या सारे संगठन में किसी की ढीली हो गई, उसका मन किसी और तरफ चले गया। तो बाबा कहते ये बिल्कुल फोकस जब होगा तो वो शिव शक्ति सेना है ना पूरी, उसका कमाल लोगों को दिखाई देगा। जैसे स्थूल सैनिक जब युद्ध के मैदान में जाते हैं तो एक ही ऑर्डर से एक ही समय वे चारों ओर अपनी गोली चलाना शुरू कर देते हैं। अगर एक ही समय एक ही ऑर्डर से वे चारों ओर घेराव न डालें तो विजयी नहीं बन सकते। ऐसे ही रूहानी सेना संगठित रूप में एक ही इशारे से और एक ही सेकंड में सभी एक रस स्थिति में स्थित हो जाएंगे, तब ही विजय का नगाड़ा बजेगा। दुनिया के अंदर भी जैसे संगीत की कला होती है, अब संगीत की कला में एक कोरस सॉन्ग होता है जिसमें कई मिलके गाते हैं, तो सब एक ही तर्ज के ऊपर शब्द निकालते हैं, उसमें मेल भी होते हैं, फीमेल भी होते हैं, बच्चे भी हो सकते हैं। इसी प्रकार से डांस करते हैं, नृत्य करते हैं, उसमें भी ग्रुप डांस होता है जिसको रास लीला कहते हैं, उसमें भी आप देखेंगे बिल्कुल उसी प्रकार से जैसे एक कर रहा है दूसरा उसको करता है। अच्छा, अगर आप आर्मी को देखें मार्च करती है, रिपब्लिक डे पर, भारत के रिपब्लिक डे पर सेनाओं की टुकड़ियां मार्च करती हैं, उसमें विशेष देखने योग्य क्या दिखता है कि वो अगर सबका दायां पांव आगे है, एक एक समान है, उसी की तो खूबी है। तो ये बाबा कहते हैं ये एक रस एक स्थिति ही सारी सेना को प्रत्यक्ष करती है ना। अगर आर्मी के मार्च में दो चार सैनिक ऐसे हों जो उसके साथ रिदम ना करें तो सारा खेल ही बिगड़ जाएगा। तो बाबा समझा रहे हैं कि सफलता के लिए भी अगर आर्मी को कमांडर कहता है गोली चलाओ तो सारे चलाएंगे चारों तरफ, तभी सफलता होगी ना। अगर दो चार ऐसे हों जो के ढीले हों, उस वक्त गोली ना चले तो दुश्मन की गोली आके उनको ही ख़त्म कर दे, फिर क्या होगा। ये बाबा ऐसे बाबा ने कहा एक ही सेकंड एक ही रस स्थिति में स्थित हो जाए। अब देखो कि संगठित रूप में क्या सभी को एक ही संकल्प और एक ही पावरफुल स्टेज के अनुभव होते हैं,
या कोई अपने को ही स्थित करने में मस्त होते हैं, कोई स्थिति में स्थित होते हैं और कोई विघ्न विनाश करने में ही व्यस्त होते हैं। ऐसे संगठन की रिजल्ट में क्या विजय का नगाड़ा बजेगा? नहीं बजेगा, क्योंकि कोई सोल्जर सेट ही हो रहा है, अपनी गन को ही सेट कर रहा है, कोई अपने आप को पोजीशन में ला रहा है, यानी अपनी ही तैयारी में मस्त हैं, तो वो कैसे करेंगे? एक रस जब ऑर्डर मिलेगा तो गोली नहीं चला पाएंगे ना। इसमें ये बात है, बाबा ने ये जो कहा, एक है अपने रीति से अनुभव करना और एक है संगठित रूप से जो पावरफुल स्टेज बनती है उसका अनुभव होना, दोनों में अंतर है। नहीं, हर एक अपना अपना करता है ना, हर एक अपना अपना पार्ट करता है, तो संगठित रूप से उसका टोटल रिजल्ट आ जाता है ना। क्वेश्चन ये है कि अगर कहीं फर्स्ट ग्रेड वालों को कुछ काम करना है तो जितने फर्स्ट ग्रेड वाले होंगे वही तो उसमें जाएंगे ना। तो हारमोनियम बजाते हैं, कोई भी काम करते हैं या कोई ऑर्केस्ट्रा बजाते हैं, तो हर एक अपना अपना पार्ट करता है, तो संगठित रूप से उसका रूप निखरता है। विजय का नगाड़ा तब बजेगा जब सभी के सर्व संकल्प एक संकल्प में समा जाएंगे। क्या ऐसी स्थिति है? बाबा ने कहा फाइनल स्टेज, आखिर कोई व्यक्ति फाइनल प्रेजेंटेशन करता है, उसके पीछे बहुत सारे रिहर्सल होते हैं, बहुत सारा अभ्यास होता है। तो बाबा कहते हैं आपकी भी जो विजय का नगाड़ा बजना है वो ऐसी स्थिति है। दीपमाला के अंदर भी अगर आप देखेंगे कि दीपमाला में सारे दीपक एक समान अगर जलते हैं तो दीपमाला सुंदर लगती है, और अगर इसमें कोई दीपक टिमटिमाता हो, किसी के बत्ती कुछ और पर बुझ रही हो, जग रही हो, ढीली हो, तो फर्क पड़ जाता है। ये तो साधारण बात है, लेकिन किसी स्ट्रॉन्ग बात को एक ही संकल्प से सिद्ध करना, तो उसमें सबकी एक मत चाहिए ना, सबका फोकस चाहिए। और ये तो बाबा ने हमको महीन ज्ञान दिया है कि आत्मा बिंदी स्वरूप है। अब आत्मा बिंदी स्वरूप में कितने जन्मों के संस्कार भरे हुए हैं, कितने जन्मों का पार्ट भरा हुआ है, लेकिन जब वो पार्ट प्ले करती है तो फैलावट हो जाती है, लेकिन अगर बिंदी स्वरूप में देखें तो छोटी बिंदी है। इसी प्रकार के बीज होता है, मान लो बड़ के वृक्ष का छोटा सा ही होता है, उसमें सारा वृक्ष समाया रहता है। तो बाबा कहते हैं अन्य संकल्पों को समेट कर, अन्य प्रकार के, क्योंकि संकल्प तो अनेक होते हैं, तैयारी का, बाद का सोचना, पहले का सोचना, साधारण सोचना, कम पावरफुल सोचना, किसी का फुल पावरफुल सोचना, फर्क हो जाएगा ना। तो एक जैसा जब होगा तो बाबा कहते हैं उस समय सबका मिला हुआ जो होगा सबसे शक्तिशाली होगा। ये हमको प्रोग्रामिंग से करना है या ऑटोमेटिक नेचुरली होगा? बाबा कहते हैं अभ्यास करना पड़ेगा, हर एक को यही तो कह रहे हैं। इस वक्त जैसे कर रहे हो, इस समय तो बाबा ने हो रहा है, किसी पर्पस से हो रहा है, अव्यक्त मिलन की वक़्त है। तो बाबा ने कहा जैसे इस वक्त है ऐसे तुमको अभ्यास को करना है हर वक्त। क्या सिर्फ थोड़ी सी विशेष आत्माओं की ही एक रस स्थिति की उंगली से कलयुगी पर्वत उठना है या सभी की उंगली से उठेगा? पूछ रहे हैं बाबा। ये जो चित्र में सभी की एक ही उंगली दिखाते हैं उसका अर्थ भी संगठन रूप में एक संकल्प, एक मत और एक रस स्थिति की निशानी है। अब बाबा कहते हैं जो गोवर्धन पर्वत का है इलस्ट्रेशन है, उसका भाव तो यही है कि कलयुगी रूपी पहाड़, कोई बहुत बड़ा काम होता है तो कहते हैं ना इसने जैसे पहाड़ उठा लिया, बहुत पहाड़ जैसा काम आ गया। अब उस पहाड़ को उठाने के लिए दिखाया गया है कि सब ने अपनी अपनी उंगली लगाई, पहाड़ उठ गया। इसका खेल भी करवाते हैं, आप देखेंगे ऐसे खेल होते हैं, एक व्यक्ति को लिटा देते हैं, अब व्यक्ति का वजन तो काफ़ी होता है,
लेकिन उसके इर्द गिर्द 10-12 को खड़ा कर देते हैं, वो केवल अपनी उंगली से उसको उठा लेते हैं। तो इसका भाव तो यही है ना कि उंगली सीधी हो, प्रॉपर शक्ति से लगी हुई हो, इकट्ठी उंगलियां बहुत काम कर सकती हैं। तो बाबा यही बता रहे हैं, ये शारीरिक उंगली है, वो संकल्प है। तो अगर हम संकल्प सब एक जैसा कर लेंगे तो कार्य सिद्ध हो जाता है। इसी को वो साइंस वाले स्कूल में बच्चों को करके दिखाते हैं, एक शीशा लेंस होता है, कहाँ इतना बड़ा सूर्य, सूर्य की किरणें फैली हुई हैं, उसकी गर्मी हर एक को महसूस होती है, लेकिन उसी को इकट्ठा करके कुछ किरणों को वो कागज़ में आग लगा के दिखा देते हैं, वैसे तो नहीं आग लग रही होती। तो कंसंट्रेशन का, एकमत होने का शक्ति बहुत बढ़ जाती है। आज बाप दादा बच्चों से पूछते हैं कि ये कलयुगी पहाड़ कब उठाएंगे और कैसे उठाएंगे, वो तो सुना दिया, लेकिन कब उठाना है? तो बच्चों ने कहा जब आप ऑर्डर करेंगे। यानी कैसे तो सुना दिया, बाबा ने कहा कैसे का तो बता दिया कि जब सबकी उंगली अर्थात सबका एक संकल्प होगा तब उठेगा। अब बाबा कहते वो कब होगा, तो बच्चे कह रहे हैं बाबा जब आप ऑर्डर करेंगे। क्या एक रस स्थिति में एवर रेडी हो? ऑर्डर क्या करेंगे? ऑर्डर यही करेंगे कि एक सेकंड में सभी एक रस स्थिति में स्थित हो जाओ। तो ऐसे ऑर्डर को प्रैक्टिकल में लाने के लिए एवर रेडी हो, ये तैयारी भी तो होनी चाहिए ना। बाबा कहते हैं ऑर्डर तो सबको पता है, सब एक संकल्प करेंगे इकट्ठा, जब ऑर्डर होगा तब विजय होगी। लेकिन उसके लिए हर एक देखे एवर रेडी हूँ, का किसी वक्त भी ऑर्डर हो जाए। तो बाबा इसलिए कहते हैं वो तब हम कहेंगे ना, बाबा भी ऑर्डर कैसे करेगा? वो एक सेकंड सदा काल का सेकंड होता है, ऐसे नहीं कि एक सेकंड स्थिर हो फिर नीचे आ जाओ। यानी वो एक रस में से एक सेकंड होता है, एक रस स्थिति में से एक सेकंड होता है। जैसे चावल के पतीले में एक चावल उठाओ तो आप देखोगे कितना गला हुआ, तो बाकी सारे भी उतने ही गले हुए होंगे ना। अगर एक पूरा गल गया है तो बाकी भी गल गए हैं। जैसे अन्य अज्ञानी आत्माओं को ज्ञान की रोशनी देने के लिए सदैव शुभ भावना व कल्याण की भावना रखते हुए प्रयत्न करते रहते हो, ऐसे ही क्या अपने इस दैवी संगठन को भी एक रस स्थिति में स्थित करने के संगठन की शक्ति को बढ़ाने के लिए एक दूसरे के प्रति भिन्न भिन्न रूप से प्रयत्न करते हो? ये बाबा ने टेस्ट बताया है कि दुनिया के लोग एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं, वो सोचते हैं कि मैं इससे आगे निकल जाऊं, और हर एक ऐसा ऐसा ही कंपटीशन करता है तो उसको सहयोग नहीं देता, बल्कि जो कंपटीशन वाला तो अपनी विशेषता को छुपा के रखता है ताकि मेरी विशेषता दूसरे के पता ना लगे, नहीं तो वो भी उसको धारण कर लेगा। लेकिन बाबा कहते हैं ये इकट्ठे संगठन का काम है। तो संगठन में क्या होता है कि सबकी एक दूसरे को एक लेवल पे लाना है। तो जैसे दुनिया के लोगों को बाबा कहता है आप शुभ भावना रख के ज्ञान के रास्ते पे लाते हो, रोशनी देते हो, तो अपने इस संगठन में भी, क्योंकि सारे संगठन को इकट्ठे काम करना है, तो दूसरे को भी अपने समान बना करके, किसी में कोई विशेषता है, किसी में कोई विशेषता है, किसी में कोई छोटी मोटी कमी है, किसी में कोई, उस सारे को बराबर करेंगे एक रस तभी तो होगा। क्या बाबा कहते हैं ऐसे भी प्लान्स बनाते हो जिससे कि किसी को भी इस दैवी संगठन की मूरत में एक रस स्थिति का प्रत्यक्ष रूप में साक्षात्कार हो? ऐसे प्लान्स बनाते हो? बाबा पूछ रहे हैं, इसको थोड़ा स्पष्ट करेंगे आप। इस दैवी संगठन की मूरत में एक रस स्थिति का प्रत्यक्ष रूप में साक्षात्कार हो, जैसे
कोई मूर्ति बनाता है या कोई व्यक्ति अपने शरीर को ही एक्सरसाइज करके बेटर करता है, तो उसमें क्या होता है कि सारे ही अंग उसके उसी प्रकार के होने चाहिए ना। इसीलिए बाबा कहते हैं कि संगठन की भी एक मूर्त है, ये हमारा संगठन है, प्रेजेंटेबल संगठन होता है ना, ग्रुप है। अब उस ग्रुप में जैसे माला भी होती है, 108 दाने की माला होती है या दीप माला होती है, तो उसमें क्या देखा जाता है कि सब वो सारी की सारी मूर्ति कंप्लीट है, बाबा का ये भाव है। कोई देखे उस मूर्त को तो कंप्लीटनेस नज़र आनी चाहिए ना। जब तक इस दैवी संगठन की एक रस स्थिति प्रख्यात नहीं होगी, तब तक बाप दादा की प्रत्यक्षता समीप नहीं आएगी। ऐसे एवर रेडी हो, जबकि लक्ष्य रखा है विश्व महाराजन बनने का, इंडिपेंडेंट राजा नहीं। ऐसे अभी से ही लक्षण धारण करने से लक्ष्य को प्राप्त करेंगे ना। हरेक ब्राह्मण की रिस्पॉन्सिबिलिटी न सिर्फ अपने को एक रस बनाना है, लेकिन सारे संगठन को एक रस स्थिति में स्थित कराने के लिए सहयोगी बनना है। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि अपने आप को ये नहीं बनाना। जैसे कोई व्यक्ति का पूरा परिवार होता है तो अपने पूरे परिवार का ध्यान रखता है ना, जो उसमें तरक्की होती है, जो प्रगति होती है, सारे परिवार की करी जाती है ना। स्कूल का टीचर भी क्या करता है, 5-6 बच्चे तो बड़े होशियार वैसे ही होते हैं, लेकिन सबके सबको वो पढ़ा करके तैयार करता है ना। सारी क्लास का रिजल्ट देखा जाता है ना, जो बेस्ट रिजल्ट गिना जाता है वो किसका गिना जाता है, सारे स्कूल का बेस्ट रिजल्ट गिना जाता है। इस सारे स्कूल में सभी क्लासेस के सभी बच्चे फर्स्ट आए हैं, मेन बात तो ये है ना, इसलिए बाबा बता रहा। ऐसे नहीं खुश हो जाना कि मैं अपने रूप से ठीक ही हूँ, लेकिन नहीं, यानी बाबा इंडिविजुअल के साथ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कहते हैं। बिल्कुल, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कोई खेल होता है जैसे क्रिकेट की टीम होती है, उसमें सारों में बहुत तालमेल होना चाहिए कि हमको किस वक़्त क्या करना है। तो अगर तालमेल ना हो, कोई इंडिविजुअल खिलाड़ी अपनी ही सोचे कि मैं अपनी बड़ाई ले लूं, समय जा रहा और मैं ही खड़ा रहूं विकेट के ऊपर, समय की सीमा है, और वो अपने स्कोर बढ़ाने की कोशिश करे, तो टीम तो हार जाएगी। अगर संगठन में व माला में एक भी मणका भिन्न प्रकार का होता है तो माला की शोभा नहीं होती। ऐसे संगठन की शक्ति ही उस परमात्म ज्ञान की विशेषता है। आत्म ज्ञान और परमात्म ज्ञान में अंतर ये है, वहाँ संगठन की शक्ति नहीं होती, लेकिन यहाँ संगठन की शक्ति है। तो जो इस परमात्म ज्ञान की विशेषता है, इससे ही विश्व में सारे कल्प के अंदर वो समय गाया हुआ है। अब देखिए, बाबा ने कहा इंडिविजुअली आत्मज्ञानी बहुत बड़े बड़े हुए हैं, जिनको महान आत्मा कहते हैं, धर्म स्थापक कहते हैं। व्यक्तिगत तौर पे वो बहुत ग्रेट हैं, मान लीजिए धर्म स्थापक ही हैं। जीसस क्राइस्ट ने इतना बड़ा धर्म स्थापित किया हुआ, मोहम्मद साहब ने फिर बहुत बड़ा धर्म स्थापित किया हुआ, लेकिन बाबा ने कहा इंडिविजुअली किया हुआ आत्मज्ञान मैंने। अब परमात्म ज्ञान के अंदर क्या है कि संगठित रूप है। अब जब हम ब्रह्मा कुमारीज कहते हैं तो वो व्यक्ति पर आधारित नहीं है, संगठन पर आधारित है। इसलिए बहुत सारे लोग कहते हैं अन्य संगठनों में क्या होता है, जो उसका संचालक होता है बहुत शक्तिशाली होता है, 2-3 जनरेशन तक उसमें शक्ति रहती है, बाद में उसकी शक्ति कम हो जाती है, क्वांटिटी बढ़ जाती, क्वालिटी चली जाती है। ब्रह्मा कुमारी में क्या देखते हैं कि जिसने स्थापित किया वो आज है नहीं,
उसके अगले वाले भी बहुत सारे नहीं हैं, लेकिन स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ बढ़ता जा रहा है। कारण यही है संगठन की शक्ति। एक धर्म, एक राज्य, एक मत, ये स्थापना कहाँ से होगी? इस ब्राह्मण संगठन की विशेषता, देवता रूप में प्रैक्टिकल चलते हैं, इसलिए पूछ रहे हैं ये विशेषता जिससे कमाल होनी है, नाम बाला होना है, प्रत्यक्षता होनी है, असाधारण रूप, अलौकिक रूप प्रत्यक्ष होना है, अब प्रत्यक्ष में है, इस विशेषता में एवर रेडी हो। अब बाबा ने उसका सार बताया कि जब बाबा कहता है एक संकल्प हो सबका, एक मत हो, एवर रेडी हो, बाबा ने कहा तुम्हारा लक्ष्य क्या है? ऐसी दुनिया जिसमें सारे विश्व में एक ही राज हो, विश्व महाराजन, विश्व महारानी, भारत के गाए हुए हैं कि भारत में चक्रवर्ती महाराजा महारानी होते थे, सारे वर्ल्ड के रूलर, फिर एक भाषा, सतयुग के अंदर देवताओं की दुनिया में एक ही भाषा चलती थी, अब हमारी दुनिया में तो हर 50 मील के बाद लोगों का डायलेक्ट बदल जाता है, कितनी भाषाएं हैं, भारत के करेंसी नोट पर ही देखो कितनी भाषाओं में लिखा रहता है, 10 रुपया 10 रुपया 10 रुपया, तो भिन्नता तो हो जाती है ना। एक मत, एक राज्य, एक भाषा, एक ही धर्म, तो एक से शुरू होता है। तो बाबा कहते तो उस एकता का आधार क्या है? अभी हमको उस एकता को धारण करना है, और परमात्म शक्ति से ही हो सकता है, क्योंकि परमात्मा ही सभी के पिता हैं। बीज से जो तना निकलता है वो निकलता है ना, उस वक्त एकता होती है, बाद में जब वृक्ष फैल जाता है, ब्रांचेज हो जाती हैं, उसके आगे और ब्रांचेज हो जाती हैं, फिर तो एकता का सवाल नहीं, फिर तो भिन्नता, फिर भिन्नता को अप्रिशिएट किया जाता है। लेकिन शक्ति तो नहीं होती ना भिन्नता में। अब आपको एक देश से दूसरे में जाना हो, आपको कितने फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ती है। फिर बाबा पूछते हैं संगठन के रूप में एवर रेडी हो? इंडिविजुअली को हो भी, लेकिन संगठन पूरा चाहिए। कल्प पहले का रिजल्ट तो निश्चित है ही, लेकिन अब घूंघट को हटाओ। सभी सजनियां घूंघट में हैं, अब अपने निश्चय को साकार रूप में लाओ। कहीं कहीं साकार रूप आकार में हो जाता है। इसको साकार रूप में लाना अर्थात संपूर्ण स्टेज को प्रत्यक्ष करना है। यानी जो व्यक्ति जिस कार्य के लिए तैयारी करता है, तैयारी करते समय तो उसको साकार में नहीं लाता, लेकिन जब फाइनल स्टेज आनी होती है तो उसको सामने लाना पड़ता है ना। हर चीज़ के ऊपर पर्दा लगा रहता, कोई नाटक भी होता है तो आप देखेंगे उसके हर एपिसोड के लिए पहले पर्दा लगा देते हैं, लेकिन जब सारी पीछे तैयारी हो जाती है तो पर्दा खोलते हैं ना, पब्लिक उसको देखती है। इसी प्रकार से घूंघट जो बनाया गया है कि जब सारा कंप्लीट हो जाता है उसके ऊपर हल्का सा कवर रहता है कि कोई देखे तो रेडी चीज़ मिले उसको। अगर किसी का कवर हटा दो और वो इनकम्प्लीट हो चीज़, तो फिर तो लोग हंसेंगे ना। तब बाबा कहते हैं कि तैयारी करने तक ठीक है, लेकिन संगठित रूप से, वो भी एक दो नहीं, संगठित रूप से सब तैयार हों तब पर्दा खुले। उस दिन सुनाया था ना कि परिवर्तन सभी में आया है, लेकिन अब संपूर्ण परिवर्तन को प्रत्यक्ष करो। जब अपना भी वर्णन करते हो तो यही कहते हो कि परिवर्तन तो बहुत हो गया है, फिर भी ये फिर भी शब्द क्यों आता है? ये शब्द भी समाप्त हो जाए, मतलब फाइनल हो गया। ये कहते ना, है तो ठीक, लेकिन किसी से पूछो आपका योग ठीक लग रहा है? ठीक तो लग रहा है, लेकिन जितना लगना चाहिए, ऐसे बोलते हैं ना। हरेक में जो मूल संस्कार है, जिसको आप लोग नेचर कहती हो, वो मूल संस्कार अंश मात्र में भी न रहे।
व्यक्तिगत नेचर होती ना हर एक की, वो कहते हैं है सारे इकट्ठे, हर जगह ऐसा होता है, लेकिन व्यक्तिगत नेचर वर्णन की जाती है कि ये व्यक्ति जो है थोड़ा तेज है, ये व्यक्ति थोड़ा ढीला है, ये व्यक्ति थोड़ा कहने पे करता है, ऐसे ऐसे कहा जाता है ना। तो हर एक की नेचर होती है, कोई कहता है कि मैं हर चीज़ को जल्दी से समझ जाता हूँ, इसलिए वो क्या फिर उसको फील होता है कि बाकी क्यों नहीं जल्दी से समझते। तो एक समान का अर्थ क्या होता है कि आप जिसको कहने में आता है तो ये बहुत अच्छा, परंतु ऐसे कह देते हैं, देर से उठता है ऐसे कह देते हैं, है तो ये बहुत अच्छा, बीच बीच में इसको रेस्ट करना पड़ता है। फौजियों के लिए तो ऐसे नहीं कह सकते ना। तो बाबा कहते हैं जो मेरी इंडिविजुअल नेचर है वो ख़त्म हो करके और कॉमन सबकी एक नेचर हो जाए, तभी तो संगठन मजबूत होता है ना। शिवलिंग के लिए क्या कहते हैं, कहते हैं सालिग्रामों के लिए भी कि नदी के अंदर पत्थर चलते हैं, वो घूमते 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 उनके अंदर एंगुलरिटी होती है, उनका शेप वैसा नहीं होता, लेकिन घिसते 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 वो गोल बन जाते हैं, एंगुलरिटीज ख़त्म हो जाती हैं। तो जब संगठन का मतलब ही क्या होता है, हर व्यक्ति अपनी एंगुलरिटी को ख़त्म करके एक समान हो, तभी संगठन कहा जाता है। लोग यूनिफॉर्म पहनाते हैं ताकि यूनिफॉर्म दिखे। अब जैसे सन्यासी हैं वो एक पर्टिकुलर तरह की ड्रेस पहनते हैं, दूर से पता लग जाता है ये सन्यासी है। ब्रह्मा कुमारी हैं वो सफ़ेद वस्त्र पहनती हैं, तो ये भी एक यूनिफॉर्मिटी की निशानी है। क्योंकि यूनिफॉर्मिटी में क्या है, उसमें फ़र्क नहीं रहता। अगर कोई व्यक्ति रंग बिरंगे वस्त्र पहनना शुरू कर दे, किसी का बढ़िया रंग होगा किसी का घटिया होगा, तो सिमिलैरिटी नहीं रहेगी ना। तो यूनिफॉर्मिटी जैसे बच्चों के स्कूल की ड्रेस में भी इसीलिए रखते हैं, चाहे वो कलेक्टर का बच्चा हो चाहे वो क्लर्क का बच्चा हो, एक स्कूल में पढ़ रहे हैं तो उनको ये ना लगे तो एक जैसी ड्रेस रख देते हैं। तो ये यूनिफॉर्मिटी मीन्स कि जो बाकी चीज़ें हैं वो ख़त्म हो। इसीलिए फिर जब निर्णय होता है तो दुनिया में क्या होता है, आजकल निर्णय मेजॉरिटी से किया जाता है कि चलो भाई 49-51 है तो 51 वालों की बात मान लो, बाकी 49 कोई कम परसेंटेज थोड़ी होती है, तो उसे एग्री नहीं करते। कोई कोई डिसीजन यूनैनिमस होता है, कहते सब ने सब सर्वसम्मति से ये किया, उसमें बहुत ताकत रहती है, क्योंकि एक भी व्यक्ति डिसग्रंटल नहीं रहता कि देखो जी मैं तो ऐसे कह रहा था। इसलिए बाबा कहते हैं कि यूनिफॉर्मिटी आए। कोई भी बात होती है तो क्या कहते हैं, मेरा ये भाव नहीं था, मेरी नेचर ऐसी है, मेरा संस्कार ऐसा है, और ऐसी बात नहीं थी, तो क्या ये संपूर्ण नेचर है? तो मेरी नेचर हो गई ना, है ना। कोई व्यक्ति किसी को एक रॉन्ग शब्द कह देता है, फिर वो सोचता है ये तो ठीक नहीं किया, फिर कहता है देखिए मेरा भाव नहीं था बिल्कुल भी, ऐसे ही मेरे से निकल गया, ऐसे भी बोल देता है। तो अंदर होगा तो निकलेगा ना। तो बाबा कहते हैं यहाँ तो हर चीज़ यथार्थ हो, अर्थ के बगैर ना हो, अर्थ सहित हो, और वो विधिवत हो कि ज़रा भी आगे पीछे ना हो, 19-20 ना हो, तो वो अवस्था धारण करनी। हरेक का जो अपना मूल संस्कार है वही आदि संस्कार है। हाँ। उनको भी जब परिवर्तन में लाएंगे तब ही संपूर्ण बनेंगे। अब छोटी छोटी भूलें तो परिवर्तन करना सहज ही है, लेकिन अब लास्ट पुरुषार्थ अपने मूल संस्कारों को परिवर्तन करना है, तब ही संगठन रूप में एक स्थिति बन जाएगी। आप समझा? ये तो सहज है ना, कॉपी करना तो सहज होता है। अपना अपना जो मूल संस्कार है उसको मिटाकर बाप दादा के संस्कारों को कॉपी करना सहज है या मुश्किल है? इसमें कॉपी भी रियल हो जाएगी। सभी बाप दादा के संस्कारों में समान हो, एक एक बाप दादा के समान हो गया
फिर तो एक एक में बाप दादा के संस्कार दिखाई देंगे, तो प्रत्यक्षता किसकी होगी? बाप दादा की। कहते हैं ना, ऐसी चित्र भी बनाए हुए हैं कि हर एक गोपी के साथ कृष्ण दिखाते हैं, और वो उन्होंने तो श्री कृष्ण देवता को भगवान माना है, लेकिन भाव तो वही है कि हर एक के अंदर अगर डिवाइन क्वालिटीज आ जाएंगी तो सब एक समान डीटी हो जाएंगे। और इसी को उन्होंने रास रास लीला करना, राशि मिलाना, आज तक भी ज्योतिषी लोग लोगों की राशि मिलाते हैं, अर्थात उनके संस्कार भाव स्वभाव एक जैसे हों तो टकराव नहीं होगा, हारमोनी रहेगी। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि ये बड़ी गहरी बात है कि आपको अपने मौलिक संस्कारों को मिक्स करना है। मान लीजिए कई लोग वैद्य लोग दवाई तैयार करते हैं और उसमें वो 16 जड़ी बूटियां डालते हैं, आप देखेंगे हर जड़ी बूटी का अपना अपना फ़ायदा है। अब वो 16 की 16 का एक व्यक्ति को फ़ायदा हो तो सारी 16 को मिलाकर उसको कूटते हैं, पीसते हैं, कोई पत्ता रूप में होती है, कोई बीज रूप में होती है, फिर उसको जब इकट्ठी करके उसकी पुड़िया बनाते हैं तो समान शक्ति वाली पुड़िया होती है, उसमें सबकी शक्ति आ जाती है। बाबा का ये भाव है। और बाबा ने ये कहा कि अपने मूल संस्कारों को छोड़ के बाप दादा के जो संस्कार हैं उनको कॉपी करो, तो फिर वो ओरिजिनल। ये तो और भी इजी है, क्योंकि श्रेष्ठ को कॉपी दुनिया के अंदर भी जब ड्रिल सिखाते हैं तो ड्रिल सिखाते हैं तो क्या करते हैं, ड्रिल मास्टर जो होता है खड़ा हो जाता है, वो सारे बच्चों को कहता है ऐसे हाथ करो, सब एक जैसा करते हैं, फिर कहता है ऐसे करो, पहले सिखाता रहता है, फिर वो क्विकली करवाता है तो भी वो करते रहते एक जैसा हो जाता है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं वो तो टीचर है, यहाँ तो बाप दादा ऑलमाइटी जो नॉलेजफुल है, जो ब्लिसफुल है, जिसके अंदर सारे ही गुण जो एक देवता में चाहिए उनको वो रचने वाला है, ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, शांति स्वरूप, शक्ति स्वरूप। तो ये सारे के सारे भगवान से धारण करेंगे जो सागर है आपके अंदर आ जाएंगे। जैसे भक्ति मार्ग में कहावत है, जिधर देखते हैं उधर तू ही तू है, लेकिन यहाँ प्रैक्टिकल में दिखाई देखें, जिसको देखें वहाँ बाप दादा के संस्कार ही प्रैक्टिकल में दिखाई दें, वह मुश्किल है क्या? मुश्किल इसलिए लगता है जब फॉलो करने के बजाय अपनी बुद्धि चलाते हो। किसी को फॉलो करे तो बिल्कुल ठीक हो, यथारथ हो जाएगा, पूरा फॉलो करे, लेकिन फॉलो करने के अंदर अपनी बुद्धि को इंटरफियर कर दे कि शायद मैं ऐसे करके देखूं, तो फिर सबके समान तो होगा नहीं और अपना भी रॉन्ग हो जाएगा, फॉलो नहीं किया ना। इसमें अपने ही संकल्प के जाल में फंस जाते हो। जैसे कोई डॉक्टर कह दे किसी को ये गोली तुमने सुबह खानी है बगैर भोजन किए, ये तुमने भोजन के बाद खानी है आदि आदि, वो व्यक्ति सोचे क्या फ़र्क पड़ता है, गोली को क्या पता भोजन किया है कि नहीं, तो फिर क्या होगा, फायदा तो नहीं होगा ना। फिर कहते हो कैसे निकले, और निकलने का पुरुषार्थ भी तब करते हो जब पूरा फंस जाते हैं जाल में, अपने फंस जाते हैं अपने आप को, फिर काफी फंस जाते हैं, फिर पुरुषार्थ करते हैं। इसलिए समय भी लगता है और शक्ति भी लगती है। अगर फॉलो करते जाओ तो समय और शक्ति दोनों ही बच जाएगी और जमा हो जाएगी। मुश्किल को सहज बनाने के लिए, लास्ट पुरुषार्थ में सफलता प्राप्त करने के लिए कौन सा पाठ पक्का करेंगे? जो अभी सुनाया, फॉलो फादर। हमेशा बाबा कहता है फॉलो फादर। इसमें भी एक खास बात है, कई बच्चे क्या करते हैं कि जो बच्चों ने फॉलो फादर किया उनसे कुछ बेटर हैं, वो भाइयों को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। जैसे स्कूल के अंदर टीचर जो शिक्षा देता है और एक क्लास के होशियार स्टूडेंट होते हैं, तो कोई उसको कॉपी करना शुरू कर दे, एक भाई को बाप मान ले एक प्रकार से, तो क्या होगा? तो कहीं कहीं तो भाई की क्वालिटीज उसमें आ जाएंगी,
लेकिन भाई तो बाप नहीं है, कंप्लीट नहीं है, तो नतीजा क्या होगा, उसकी कमियां भी उसको धारण करेंगी, तो फॉलो फादर से तो वंचित हो गया ना। इसलिए भगवान कहता है कि स्वयं भी और दूसरे को भी फॉलो फादर से वंचित करना ये बहुत बड़ी गलती है, और स्वयं को और दूसरे को फॉलो की और अग्रेसर करना ये बहुत बड़ी खूबी है। इसलिए समय भी लगता है और शक्ति भी लगती है। अगर फॉलो करते जाओ तो समय और शक्ति दोनों ही बच जाएगी, जमा हो जाएगी। मुश्किल को सहज बनाने के लिए, लास्ट पुरुषार्थ में सफलता प्राप्त करने के लिए कौन सा पाठ पक्का करेंगे? जो अभी सुनाया, फॉलो फादर, ये तो पहला पाठ है, लेकिन पहला पाठ ही लास्ट स्टेज को लाने वाला है। इसलिए इस पाठ को पक्का करो, इसको भूलो मत, क्योंकि फॉलो भी धीरे धीरे करते हैं ना। किसी चीज़ को एक शेप में लाना हो तो जो जिसकी शेप दूसरी है टाइम तो लगता है, लेकिन अगर कायदे से विधिवत करेंगे तो उसमें मेहनत नहीं लगेगी और जल्दी से हो जाएगा। अगर विधि में बिगाड़ आ गया तो फिर वो और चीज़ बिगड़ती है, और एक बार ही बिगड़ जाए तो फिर बिगड़ती चली जाती है। तो सदा काल के लिए अभुल एक रस बन जाएंगे। अच्छा, ऐसे तीव्र पुरुषार्थी सदा एक रस, एक मत, एक ही लगन में रहने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को नमस्ते। आज की मुरली का सार है, जैसे सैनिक एक ही ऑर्डर से एक ही समय चारों ओर गोली चलाना शुरू कर देते हैं तभी विजयी बनते हैं, अन्यथा विजयी बन नहीं सकते। ऐसे ही जब रूहानी सेना संगठित रूप से एक सेकंड में एक रस स्थिति में स्थित होगी तब ही विजय का नगाड़ा बजेगा। दूसरा, संगठन की शक्ति ही परमात्म ज्ञान की विशेषता है। इसी कारण विश्व में सारे कल्प के अंदर वो समय गाया हुआ है, एक धर्म, एक राज्य, एक मत और एक भाषा। जैसे भक्ति मार्ग में कहावत है, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, लेकिन यहाँ प्रैक्टिकल में जहाँ देखें, जिसको देखें, वहाँ बाप दादा के संस्कार ही प्रैक्टिकल में दिखाई देवें, ये तब होगा जब बाप दादा को फॉलो कहते हैं ना, ये सब एक ही सांचे में ढले हुए हैं, एक जैसे दिखते हैं। आजकल भी लोग कहते हैं, चाहे ब्रह्मा कुमारीज को आप लंदन में मिल लो, चाहे न्यूयॉर्क में मिल लो, चाहे कलकत्ता में मिल लो, चाहे किसी गांव में मिल लो, बात एक ही करते हैं। इनको पता नहीं कि कौन पढ़ाता है, एक ही बात सब करते हैं, क्योंकि यही बात है कि एक सांचे में परमात्म ज्ञान सबको मिला हुआ है, तो एक मत हैं सारे के सारे। हैरान भी होते हैं कि छोटी छोटी बच्चियाँ ये कैसे मुंह खोलती हैं, जैसे ब्रह्मांड दिखता कहा जाता है, ये कैसे तीनों लोकों का ज्ञान देती हैं, इनके झलक फलक देखो। दुनिया के लोग तो बड़ी चिंता में रहते हैं, मेरा भविष्य क्या होगा, इनके झलक फलक देखो। ऐसा ये थी बाबा की आज की मुरली, और आज की मुरली से हम एक ही मंत्र अपनी धारणा में रखेंगे, फॉलो फादर। फॉलो फादर ये पहला मंत्र जिसको बाबा ने कहा ये लास्ट स्टेज को लाने वाला है। फॉलो फादर करने में कोई कठिनाई भी नहीं है और पुरुषार्थ भी इजी है। ओम शांति।